बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ मीडिया टाउन इस्लामाबाद और घर का विज़िट करवाने जा रहे हैं। छः मरला घर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और जो घर की प्राइस होगी वो बिल्कुल मैं एंड पे कोट करूँगा, इसलिए वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो रैंप से मैं स्टार्ट करता हूँ। रैंप जो है ये टफ टाइल लगी हुई है रैंप पर, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। और ये मेन एंट्रेंस गेट है, फ्रंट से आप चेक कर सकते हैं, ये सारी टाइल लगी हुई है और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है जी। तो ये कारपोर्च है, कारपोर्च में नीचे अच्छे डिज़ाइन की टाइल लगी हुई है। गैलरी, ये यहाँ दो एंट्रेंस है मेन पे, एक ये मेन की एंट्रेंस है और ये एक ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। अच्छा, कारपोर्च में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ना काफ़ी बड़ा कारपोर्च है, दो गाड़ियाँ जो है वो इजीली पार्क हो सकती हैं। मेन एंट्रेंस जो है वो गेट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, सॉलिड वुड यूज़ हुई हुई है और नीचे जो है वो सारी टाइल यूज़ हुई हुई है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि घर जो है ये वन यूनिट है, ये इसकी ऊपर वाले पोर्शन की जो है वो सेपरेशन नहीं है, एक ही यूनिट घर है, ये इसकी एंट्रेंस अंदर से ही है। अच्छा, नीचे सारी टाइल यूज़ हुई हुई है, फ्रंट पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर भी लगा हुआ है, ये सामने जो है वो टीवी के लिए वुड वर्क हुआ हुआ है। अच्छा, ये हो गया ड्राइंग रूम की एंट्रेंस, वो सामने आप दरवाज़ा देख सकते हैं, उसके बाद विंडो, और ये सामने जो है आप इसे टीवी लॉन्च भी छोटा सा बना सकते हैं। सामने चलते हैं किचन में, किचन में आप देख सकते हैं वुड वर्क सारा। अच्छा, किचन के साथ से ही लॉन्ड्री एरिया छोटा सा, इसकी जो एंट्रेंस है वो ये किचन से ही है। अच्छा, नीचे वाले फ्लोर पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही बेडरूम है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा बेडरूम है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सीलिंग, इसके बाद ये कबर्ड, और वॉशरूम एरिया, वॉशरूम में टाइल यूज हुई है जी। नीचे हो गया एक बेडरूम, अब मैं ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना वो टू बेडरूम है, ठीक है। ये एंट्रेंस के साथ ही जो है वो वॉशरूम भी है, वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा वॉशरूम है। ये टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया में अगर कोई मेहमान वगैरह तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टोर रूम है छोटा सा, अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये स्टेज पे सारा मार्बल यूज़ हुआ हुआ है और ये स्टील की जो है सारी ग्रिल्स हैं जी। ये तो है जी फर्स्ट फ्लोर, और सामने जो है वो गैलरी एरिया छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये एरिया है, इसे आप टीवी लाउंज भी बना सकते हैं, छोटा सा डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं। उसके बाद ये बेडरूम है, बेडरूम माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हैं, ये सामने आप देख सकते हैं ग्राफी वर्क हुआ हुआ है। ये कबर्ड्स,
बहुत बड़ी कबर्ड है माशाल्लाह। ऊपर जो है वो सीलिंग का डिज़ाइन, वॉशरूम दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच है। वॉशरूम्स में जो है वो टाइल वॉशरूम काफ़ी बड़े हैं। जी दूसरे बेडरूम में चलते हैं। ये इसकी विंडो है, जी ये तो हो गया फर्स्ट फ्लोर, टू बेडरूम और साथ में छोटा सा टीवी लाउंज है। उसके बाद ऊपर जो है वो ममटी है, स्टेयर्स पे जो है ना वो बहुत ही प्यारा मार्बल लगा हुआ है, और ऊपर जो है ममटी पे जो है वो सारी ममटी पे मार्बल लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा सा सर्वेंट रूम है और ये सारा मार्बल लगा हुआ है। टैंकी का एरिया है, जी ये तो एरिया है जी मीडिया टाउन इस्लामाबाद। ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट से, ये इसकी गली है, ये सामने जो है कब्रिस्तान और पार्क की जगह है, और इधर से ये गली है। बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस मैं कोट करता चलूँ वो 150 है, 1,50,00,000 जो है वो ओनर की डिमांड है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।